दोस्तों आज हम सचपास के टॉप में पहुंचने वाले हैं और यहाँ एक गाड़ी फंस चुकी है और कुछ यंग लड़के हैं जो उसको धक्का लगा रहे थे। सर बताएंगे क्या हुआ यहाँ पे? सर यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है, जेसीबी भी मतलब बैक के पीछे ही जा रही है। ओके। बगट के सहारे मतलब जेसीबी गाड़ी मुश्किल से चढ़ाई है। पंख का सबसे खतरनाक पॉइंट है यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पर आप देख लो 4x4 गाड़ी है। ये 4x4 है? बिल्कुल 4x4। फिर भी नहीं चढ़ रही है? फिर भी नहीं चढ़ रही है सर। आप देख लो कितना आज पास का सबसे खतरनाक पॉइंट है यहाँ पर। तो आपकी आप लोग अभी फंस गए, रात को कैसे वापस जाओगे सर? फिर तो कुछ मतलब सतरुंडी तक हमने पैदल जाना पड़ेगा। पैदल? बिल्कुल। फिर अगर फोन संपर्क तक पहुंच जाएंगे तो फिर फोन करो। तो आप गवर्नमेंट की तरफ से अभी यहाँ पे कि कंडक्टर की तरफ से? अभी कंडक्टर। तो क्या काम है आपको? आपने पेट्रोल डीजल पहुंचाना है ऊपर? बिल्कुल। जेसीबी की? बिल्कुल डीजल पहुंचाना है, जल्दी से जल्दी रोड खोलना है। रोड खोलना है? बिल्कुल। तो ये रोड कब तक खुल जाएगा, टाइम लगेगा? सर ऐसे तो ये आज को भी बोल रहे थे कि आज भी खुल जाएगा रोड हमारी तरफ से। हाँ। हमारी साइड से खुल जाएगा, पर देख लो आप नहीं, देख रहे हो लग जाएगा 4-5 दिन। बिल्कुल बर्फ भी होगी, फंस गई गाड़ी 4x4 ऊपर भी एक किलोमीटर बाकी है ना? बिल्कुल है। ऊपर साफ है? बिल्कुल ऊपर क्लियर है। यहाँ से परे साफ है सर, यहाँ से परे मतलब बढ़िया, बीच बीच में है ना। ओके ओके। आपको कितना सैलरी मिलती है भैया? हमको अभी तो हेल्प फ्री की मतलब देते हुए ऐसे मिलता कुछ नहीं, हेल्प करते बस। पर ये 4,000 रुपए हमको दे रहे हैं। और इतनी बर्फ में आप माइनस में यहाँ पे काम करते, धक्का लगाते हो गाड़ी को और 4,000 मिलता है? बिल्कुल। और यहाँ पे रात को रहने, रात को जाओगे आप नीचे? बिल्कुल। अगर अब गाड़ी से है, अगर गाड़ी यहाँ पर फंस जाती है तो फिर तो पैदल जाना पड़ेगा नीचे सतरुंडी तक। ओके। सतरुंडी से फिर नीचे पैदल जाना पड़ेगा, रानीकोट में जाओगे? रानीकोट। हाँ रानीकोट में जाओगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट होगा, वो भी फोन मतलब कुछ देर के लिए रखना पड़ेगा किसी चीज पे, अपने आप सिग्नल आता है। ओके ओके। और यहाँ पे अच्छी वाली? ओके। बहुत टफ है यहाँ पे काम ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यार मतलब आप लोग काफी यंग, इतना रिस्क ले रहे हो, बंदा फंस भी सकता है रात को? बिल्कुल फंस सकता है सर। अभी देख लो अगर फंस गए तो -डिग्री में टेम्परेचर जाता है, कहाँ रहेंगे, रुकने का कोई साधन नहीं है। तो ये गाड़ी तो मुझे ही चढ़ेगी आज, अभी यहीं छोड़ के गाड़ी छोड़ के जाएंगे कि बैक करेंगे? अब बैक भी नहीं होगी है सर, अब देखते हैं। अब पूरे ऑपरेटर आएंगे, पता लग जाएगा कि देख लो फंस चुकी है अभी तो फिलहाल। अब तो आ ही नहीं रही है आगे, आप दोस्तों देख सकते हैं कैसी गाड़ी फंस चुकी है, बैक जाने का भी रास्ता नहीं है और एक गाड़ी फंस गई है। बिल्कुल सर, ये देखिए कैसे हो रहा है, काफ़ी मुश्किल स्थिति में है। और ये लड़के लोग जॉब कर रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या हालत है, 4,000 भी नहीं मिल रहा है और यहाँ पे बर्फ़ में काफ़ी मुश्किल है। लोग यहाँ टूरिस्ट हैं, हम भी टूरिस्ट हैं, घूमने आते हैं बर्फ़ देखने, पर जो लोग इस बर्फ़ में रहते हैं और इसके रियल टूरिस्ट एक दिन आता है फोटो खींच के चले जाता है, बट जो लोग यहाँ पर रहते हैं, ये सच पास है दोस्तों 4,400 मीटर की हाइट पे चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और जो लोग यहाँ वर्कर लोग रहते हैं उनकी लाइफ का जो स्टोरी है वो किसी को पता नहीं है। लोग फोटो खींचते चले जाते हैं पर यहाँ पर जो ये पास खोलते हैं, रास्ता खोलते हैं, उनको कोई थैंक यू नहीं बोलता, उनके लिए कुछ नहीं है। तो सर आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को मतलब आपकी जो तनख्वाह है और ये कुछ ज़्यादा करना चाहिए? नहीं सर, अभी ऐसे है ना, प्राइवेट मशीन है हमारी, ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट मशीन होंगी, अगर सरकारी होगा तब तो ज़्यादा होती है। ओके। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है साथ में, ठीक है, सीख रहे हैं। तो अब इनको बुलाया जा रहा है वहाँ पर धक्का लगाने के लिए, ये जाएंगे अपना कर्म। ठीक है ठीक है, आप काम कीजिए, धन्यवाद। दोस्तों जो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार हम सब लुधियाना से आए हैं और इतनी अच्छी लाइफ जीते हैं वहाँ पर, बट यहाँ पर लोग कितने टफ लाइफ जी रहे हैं और हम टूरिस्ट यहाँ आते हैं, गन डालते हैं यहाँ पे, काफ़ी प्लास्टिक भी मिल रहा है और काफ़ी मुझे लगता है कि कल्चर भी ख़राब हो रहा है। तो मैं अपील करूँगा कि हम इनकी दिक्कतों को समझें, कैसे रास्ता खोलते हैं और कैसे यहाँ पे ये हमारी रास्ता बनता है, उस रास्ते को हम गंदा कर देते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक की बोतल फेंक देते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग को ये जानना चाहिए इनकी लाइफ के बारे में। ये है सच पास दोस्तों चंबा डिस्ट्रिक्ट में। थैंक यू।